Dear students, welcome to class 9. I am Bhavana Dixit, your English teacher. As I am going to take your first class today, so please listen carefully. First of all, students, I am going to clear you about the pattern of the syllabus. Your English reader book consists of 3 parts, prose, poetry and supplementary. One more important thing, students, syllabus of class 9th English reader has been changed. So please don't refer the old book. And pay attention because the chapter will not easy to repeat again. Now come on the topic. Your first poem of your poetry section is The Road Not Taken by Robert Frost. Now before beginning the poem, हम इस poem के छोटे से intro से जाते हैं ताकि हमें यह पता हो जाए कि इस poem में poet हमें क्या बताना चाहते हैं. ये poem deal करती है dilemma से जो एक person अपनी life में face करता है. Now question is, what is dilemma? Dilemma refers to the confusion between two choices. जब कोई इंसान two choices में confuse होता है, उसे हम dilemma कहते हैं. यह poem बात करती है decision से, जिस तरह से हम अपनी life में कोई decisions लेते हैं and its consequences means परिणाम bear करने पड़ते हैं. और एक बार हमने decisions ले लिए तो उस decisions को change नहीं कर सकते. फिर चाहे उस decisions पर हमें बाद में regret या पछतावा क्यों ना करना पड़े. But what has been done, it cannot be changed. Means एक बार जो हो गया, जो decisions ले लिया गया, उसको बदल नहीं सकते. इस poem को पढ़कर हमें यह भी पता चलता है कि हमारे जो decisions होते हैं हमारी life में, हमें directions भी दिखाते हैं. मीन्स जो भी हमने decisions लिए हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमारी life में directions ज़रूर दिखाते हैं. Now this is a small introduction of the poem. Let's start with the line by line explanation of the poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Now इस poem में poet हैं आपके Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood. Poet जो हैं वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं. मीन्स देखते हैं डाइवर्स मिस होता है डिवाइड होना, भाग होना या बट जाना. वुड जंगल. पोएट जो है एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है और वो एक ऐसे पॉइंट पर आके खड़ा हो जाता है जहाँ पे टू रोड्स का डाइवर्जन हो जाता है. मीन्स दो रोड बट जाती हैं. अब यहाँ पे देखिए, आपने पोएट ने वुड को येलो क्यों बोला है, जंगल को येलो क्यों बोला है, क्योंकि जिस समय वो उस पॉइंट पर खड़ा होगा, इट माइट बी ऑटम सीजन, शायद वो ऑटम का सीज़न रहा हो. वेन लीव्स कम्पोज मीन्स जब पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, इसलिए उसने वुड को, जंगल को येलो बोला है क्योंकि वहाँ पे हो सकता है ऑटम सीजन रहा हो. तो जंगल के रास्ते से गुजरते हुए वो एक ऐसे पॉइंट पर आकर खड़ा होता है जहाँ से टू रोड्स डाइवर्स्ड हो जाती हैं, बट जाती हैं, भाग हो जाते हैं, दो उस रोड के दो भाग बट जाते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. अब क्योंकि वो एक ऐसे पॉइंट पर आके खड़ा हुआ है जहाँ पे रोड टू पार्ट्स में, टू रोड्स में डिवाइड हो चुकी हैं, ही हैज़ टू चूज़ वन रोड एंड ही इज़ कन्फ्यूज्ड कि वह कौन सा पाथ चुने. दैट्स वाई ही से सॉरी, इसलिए वो सॉरी बोलता है. आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, वो सॉरी बोलता है, वो अपने रिग्रेट को शो करता हुआ सॉरी बोलता है क्योंकि वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता. वो चलना चाहता है लेकिन दोनों रास्तों पर चलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो अपना रिग्रेट शो करता हुआ सॉरी बोलता है कि मैं दोनों रास्तों पर चल नहीं सकता. एंड बी वन ट्रैवलर, और क्योंकि वह अकेला ट्रैवलर है वहाँ पे. लॉन्ग आई स्टूड, कहता है वो कि मैं काफ़ी लंबे समय तक खड़े होकर सोचता रहा. मीन्स पोएट काफ़ी लंबे समय तक खड़ा होकर सोचता रहा क्योंकि वो अकेले है वहाँ पर. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई वुड, और लुक्ड डाउन वो काफ़ी दूर दूर तक देखने की कोशिश कर रहा है. उसने अपने विज़न को काफ़ी दूर दूर तक दौड़ाया है और वहाँ तक उसने देखने की कोशिश की है. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, बेंट मीन्स मोड़, जहाँ पे रास्तों का मोड़ शुरू होता है. मीन्स हम भी अगर देखना चाहते हैं तो हमें भी सीधे रास्ते पर ही दिखता है, मोड़ पर क्या है वो हम नहीं देख सकते. तो पोएट कहता है कि उसने अपनी विज़न को दूर दूर तक दौड़ाने की कोशिश की, वहाँ तक जहाँ पर रास्तों का मोड़ नहीं शुरू हो जाता है. इन द अंडरग्रोथ एंड अंडरग्रोथ मोर ओवर, देखिए क्या चीज़ थी जिसने उसके विज़न को ब्लॉक किया, उसके विज़न को ब्लॉक करने का कारण क्या था. बेंड मीन्स जो मोड़ था रास्ते का. एंड अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ क्या होता है, ग्रीनरी के पास जो छोटे छोटे से श्रब्स होते हैं, जो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, उनकी वजह से
उसके विज़न जो है वो ब्लॉक हो जाता है, मीन्स उसके आगे का रास्ता वो नहीं देख सकता। रास्ते पर जो मोड़ है और जो छोटे छोटे से श्रब्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी वजह से वो आगे का रास्ता नहीं देख सकता। इन लाइन्स में पोएट क्या कह रहा है कि वो एक ऐसे रास्ते से गुज़र रहा है जहाँ पे वो ऐसे पॉइंट पर आके खड़ा हो जाता है जहाँ पे टू रोड्स डाइवर्ज्ड हो जाती हैं, और क्योंकि वो दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता है इसलिए वो सॉरी बोलता है अपना रिग्रेट शो करने के लिए। और वो वहाँ पे अकेला ट्रैवलर है इसलिए काफ़ी लंबे समय तक वो खड़े होकर सोचता है, काफ़ी दूर तक वो अपनी दृष्टि दौड़ाता है, लेकिन उसका विज़न वहीं पर ब्लॉक हो जाता है, उसकी दृष्टि वहीं पर टूट जाती है जहाँ से रास्ते का मोड़ शुरू होता है और जहाँ से छोटे छोटे से श्रब्स प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, उसके आगे का रास्ता वो नहीं देख सकता। सो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है पोएम का। अभी आपकी 1, 2 and 3 स्टेंजाज लेफ्ट हैं, बाकी हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। बिकॉज टुडे इज़ योर फर्स्ट क्लास, इसलिए आपको सबसे पहले जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उन सारी लाइंस का, सारे वर्ड्स का वन बाई वन मीन्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, उस तरह से आपको खुद से एक्सप्लेन करना है, उनकी मीनिंग को अंडरलाइन करनी है एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू।